जुड़ चुके हैं न्यूज सर इंडिया के साथ। मैं हूं संजय कुमार। इस टाइम हम सुंदरबनी से 4 किलोमीटर दूर कालीदेह हाई स्कूल में हैं, जहां आज भारत आयुष्मान की तरफ से गोल्डन कार्ड का जो स्कीम है उसका आज जहां शुभारंभ हुआ है। इसमें बताया गया है कि लोगों को गाइड किया गया है कि गाइडलाइंस है, इसके बारे में पूरा जो इंश्योरेंस है वो लोगों को बताया जाए गया है। तो हमारे साथ कुछ जहाँ के जो पंच हैं उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? नरेश कुमार पराशर, लोअर पंचवाल ए वार्ड नंबर 6 से मैं बोल रहा हूँ। आज एक आयुष्मान भारत की स्कीम की तरफ से अपना जो है सुंदरबनी तहसीलदार और अपने चेयरमैन अरुण शर्मा जी और उसके बाद BMO साहब और तकरीबन तहसील ऑफिसर सभी जहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये स्कीम के बारे में लोगों को अवेयरनेस कैंप के द्वारा मतलब उन लोगों को जागृत किया है कि इसके बीच में कौन कौन सा फैसिलिटी मिलेगी। एक परिवार को अगर एक गरीब फैमिली है तो उसके बीच में उसका 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट जो है फ्री गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो उसके विषय में उन्होंने ये जागृत किया है जनता को कि भाई कौन कौन सी फॉर्मेलिटी, एक आधार कार्ड और अपना फिंगरप्रिंट ये खिदमत सेंटर द्वारा बनाए जाएंगे और एक राशन कार्ड की कापी ये लेकर जाना है तो जाके तो वहाँ ये बनवाने हैं। इसकी कोई लास्ट डेट को बताया नहीं? इसका उन्होंने यही बोला कि ये अभी स्कीम द्वारा स्टार्ट की गई है, पहले के 2011 में बने थे, उसके बाद ये बंद हो चुकी थी स्कीम, अभी ये आज से द्वारा शुरू किया उन्होंने। और उन्होंने बोला कि मैं तहसीलदार साहब ने और BMO साहब ने कि भाई हम चाहते हैं कि सबसे जल्द से जल्द ये अपनी तहसील जो है कवर की जाए। तो DC के द्वारा ये आदेश दिया गया हुआ है कि हर आदमी का बनाना है। आपकी जो वार्ड है, वार्ड जो मेंबर जो पूरी पंचायत के जो लोग हैं उनको आपने बताया था पहले कि लोगों को जहां काल दे हुए कैंप लगने वाला आप आओ? हाँ, हमने जनता को बताया था कि एक जागृत कैंप लग रहा है, तो उस कैंप के द्वारा जो है आज जो उनको पूरा ब्रीफ किया गया है। तो अभी इसमें जो है अपना जो भी किसी को अगर नहीं मालूम है तो उसको हम जाकर अपना बता सकते हैं, उसको खुद द्वारा बताएंगे कि क्या क्या करना, क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए। तो जल्द से जल्द बनवाने हैं, ये बहुत जरूरी है गरीबों के लिए ना, ये हर आदमी के लिए। अच्छा, चाहे वो इम्प्लॉई है चाहे अनएम्प्लॉयड है, ये अपना जम्मू कश्मीर के हर आदमी का ये बनना है। स्वागत करता हूँ कि आप हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों की सुध ली। तो आज का जो विषय था ये विषय था कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का विषय था। इसके विषय में हमारे BMO साहब, तहसीलदार साहब और BDC चेयरमैन साहब, ये सब लोग आए थे। इन्होंने जनता को अवेयर किया कि इसके लिए जैसे फॉर्मेलिटी लगेगी और जो मतलब हर एक फैमिली का आयुष्मान भारत कार्ड है, जो गोल्डन कार्ड बनेगा, चाहे वो BPL हो चाहे APL हो चाहे AAY हो, कोई भी हो, हर एक आदमी का उसका आधार कार्ड जरूरी है। वार्ड में वार्ड बनाएंगे, हर वार्ड का आज इस पंचायत से स्कीम को लागू किया गया है। तो लोअर उज्वाला जनता ने मुझे चुना और इस विषय में गोल्डन कार्ड के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर मेरे मन में बहुत ही गुस्सा सा था। मैं चाहता था कि ये कार्ड बनने चाहिए, लेकिन हमारे BDC चेयरमैन साहब की उपलब्धि है, जे उन्होंने जो आज कर दिखाया और हम उनका तहे दिल से थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मुझे दिए इजाजत, धन्यवाद।